much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. What you do? हेलो एंड वेलकम, आप सबका फिर से स्वागत है एडीज़ नेशन पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ग्लैमर 125 का ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो साथ में मेरे इसके ओनर हैं। सो ओनर मेरे साथ बात करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको यूट्यूब वीडियो में नहीं आना है। तो मैं आपको इसके बारे सारे डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन जो था हमारा इस बाइक को लेके कि ओनर ने इसे लिया क्यों, मतलब उनको पसंद क्यों आया। उनका कहना है कि इन्होंने उनका इस बाइक को लेने का मेन कारण था कि उनको माइलेज चाहिए था और उनको डे टू डे अपने ऑफिस में जाना है आना है, तो उनको माइलेज उनका एक जो मेन फैक्टर था गाड़ी लेने का। पहला रीज़न जो था कि गाड़ी लेना है उनको पसंद क्यों आया, वो था कि ग्लैमर 125 जो है इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, तो उनको माइलेज के हिसाब से गाड़ी बहुत पसंद आई। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो ओनर को पड़ी है वो है अराउंड 80,000। इसकी एक्सरूम प्राइस थी अराउंड 69,000, तो सारे टैक्सेस और इंश्योरेंस और आरटीओ मिला के उनको अराउंड 80,000। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो जिस कारण उन्होंने बाइक ली थी वो है माइलेज। माइलेज उनको मिल रही है अराउंड 55 to 60। तो अगर वो धीरे धीरे चलाते, मतलब अगर वो रफ नहीं चलाते हैं तो शायद उनको अराउंड 60 to 62 भी मिलता है, और थोड़ा रफ चलाने पर उनको 55 या फिर 54 के आसपास माइलेज मिलता है। जो चीज़ उनको अच्छी लगी गाड़ी पे वो है, उन्होंने कहा है कि गाड़ी का जो कंफर्ट है वो बहुत बढ़िया है, और गाड़ी जो है अपने सीसी के हिसाब से परफॉर्मेंस भी उसका बहुत अच्छा है, 125 सीसी के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और उनको ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी से। मैंने अभी कुछ देर पहले इनकी गाड़ी चलाई है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि गाड़ी बहुत स्मूथ है और एक्सीलेटर जो है वो भी काफ़ी स्मूथ है, गियर शिफ्ट भी बहुत स्मूथ है, कोई फॉल्स न्यूट्रल या फिर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जॉस्ट भी एक बार आपको मैं इसका एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। आप एग्जॉस्ट सुन सकते हैं, काफ़ी बेसिक एग्जॉस्ट है। और आप देख सकते हैं गाड़ी का जो सीट है वो भी काफ़ी बड़ा है और स्पेसी है, तो इसमें आराम से आप दो जन जा सकते हैं। आप अगर चाहे तो अपने मम्मी या पापा के साथ भी जा सकते हैं, अगर कोई बल्कि लोग हैं तो वो भी गाड़ी में जा सकते हैं, सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीट आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है। ये रहा गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। गाड़ी अराउंड 13,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो मैं इसे एक बार ऑन कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, सो गाड़ी अराउंड 13,290 किलोमीटर चल चुकी है, और गाड़ी देख सकते हैं गाड़ी का जो मिरर्स है वो भी काफ़ी स्टडी है और व्यूज़ प्रॉपर है, कोई लूज़ नहीं है, और ये दोनों साइड के मिरर्स हैं, व्यू काफ़ी बढ़िया है इसमें, आप पीछे देख सकते हैं पूरा व्यू आता है इसमें। गाड़ी बहुत लाइट वेट है और गाड़ी को सिटी या नदी पर चलाना बहुत ईजी है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल हेवी नहीं लगती। गाड़ी का इनगियर एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है और देख सकते हैं ऐसा गाड़ी बहुत स्मूथ है। गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 105 to 106 किलोमीटर पर आवर है। गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। हर 1500 किलोमीटर के बाद गाड़ी की सर्विसिंग हुई है, गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करना, जो गाड़ी का जो इंजन है उसको क्लीन करना, नाइट में विजिबिलिटी भी जो है वो भी बहुत अच्छी है और लाइट का थ्रो भी बहुत अच्छा है। जबकि ये हेलोजन है फिर भी इसका थ्रो बहुत अच्छा है और रात को आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाड़ी में जो कुछ चीज़ें खराब उनको लगी है, मतलब ख़राब नहीं, मतलब होता है वो तो नॉर्मल गाड़ीज़ में होती है, जो कुछ चीज़ें जो उनको ख़राब लगी वो है कि पहला जो उनका जो शिकायत है वो कह रहे हैं कि जो चेन है वो थोड़ा लूज हो जाता है, तो उसको थोड़ा टाइट कराना पड़ता है, हर महीने एक बार टाइट कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चेन लूज़ हो जाता है। गाड़ी चलते चलते अचानक ऑफ हो जाता है, मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन
मतलब रनिंग में कभी कभार गाड़ी ऑफ हो जाता है तो फिर गाड़ी को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, वो एक दो प्रॉब्लम्स है उनके गाड़ी में। और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप बेशक ले सकते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया है और ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। आप देख सकते हैं गाड़ी का एक ओवरऑल मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, गाड़ी बेहतरीन है, 125 cc के सेगमेंट में काफ़ी गुड लुकिंग हैंडसम गाड़ी है। सो बस इतना ही था।